सो हेलो दोस्तों, मैं करण सोन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और खास नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट ट्रायल्स के बारे में। दोस्तों क्रिकेट ट्रायल्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में आज आपके सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट पड़े और इंस्टाग्राम पे मैसेज पड़े तो उसी बेस पे यह वीडियो बनाई है। दोस्तों क्रिकेट ट्रायल्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हुए हैं, जैसे क्रिकेट ट्रायल्स कब होते हैं, क्रिकेट ट्रायल्स कौन कौन दे सकता है, क्रिकेट ट्रायल्स के लिए आपको क्या क्या चीजें ले जानी होती है, क्रिकेट ट्रायल्स डेट कैसे पता करें, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर की हुई हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखने के बाद पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनेट ऐप। डाउटनेट एक एप्लीकेशन है जिसपे क्लास 6 टू 12 IIT, JEE, NET, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने डाउट की फोटो क्लिक करनी होगी और आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यह प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइवेट ट्रायल्स और BCCI के ट्रायल्स के ऊपर डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है, और बात करेंगे कि कौन से ट्रायल देने चाहिए कौन से नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होते हैं BCCI के ट्रायल्स और एक होते हैं प्राइवेट ट्रायल्स। BCCI के ट्रायल्स, हम पहले प्राइवेट ट्रायल्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट ट्रायल्स वो होते हैं जो जैसे कि YSCL हो गया और DLCL हो गया, और भी बहुत सारे जो ब्रांड रहते हैं, जो कंपनी रहती है, वो आपको क्रिकेट खिलाती है। दोस्तों उनका एक मेन मकसद यह होता है कि जो प्लेयर्स है वो अपना टैलेंट दिखाए, वो उभर कर आए। अगर आप ये प्राइवेट लीग्स वगैरह खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। आप आगे जब आप BCCI के ट्रायल्स होगे या BCCI के मैचेस खेलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट्स वहाँ से मिल जाता है। और आगे का जैसे फ्यूचर वगैरह उतना कुछ नहीं होता है, अगर आपको आगे जैसे रणजी ट्रॉफी या IPL के लिए या इंडिया के लिए खेलना है तो आपको BCCI के ट्रायल देने होंगे। BCCI के जो मैचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के, जोन के ट्रायल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे मैचेस आपको खेलने पड़ते हैं, तब जाके आप एक स्तर तक पहुँचते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा प्राइवेट ट्रायल्स और जो BCCI के ट्रायल्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमें कितनी फीस पे करनी पड़ती है ट्रायल्स के लिए। प्राइवेट ट्रायल्स और BCCI दोनों की फीस के बारे में इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो BCCI के ट्रायल्स फीस के बारे में बात करें तो BCCI कोई भी पैसा नहीं लेता है, सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन के पैसे वहाँ पे लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के पैसे कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, 300 से 500 के बीच में रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, उससे ज़्यादा आपको मैचेस वगैरह के कुछ भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। तो एक चीज़ बहुत ही बेस्ट है जो कि आप इजिली, अगर आपके पास टैलेंट है तो अपने दम पे आप पहुँच सकते हो किसी भी लेवल तक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइवेट ट्रायल्स के बारे में। तो प्राइवेट ट्रायल्स में आपको ट्रायल फीस भी देनी पड़ती है, मैचेस की फीस भी देनी पड़ती है, वो होती है ट्रायल फीस होती है। ट्रायल फीस कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ट्रायल फीस 500 से 1000 के बीच में होती है, और मैचेस की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर अच्छी फैसिलिटी वाले टूर्नामेंट्स हैं तो उसमें 3000, 5000, 2000 एक एक मैच के भी लेते हैं। सो गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं क्रिकेट ट्रायल डेट कैसे पता करें। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने पहले से एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं क्रिकेट ट्रायल डेट। तो दोस्तों क्रिकेट ट्रायल डेट पता करने के लिए आपको अपने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस पर जाना होगा। हर स्टेट का एक क्रिकेट एसोसिएशन होता है जिसका एक ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको पता करना होगा कि आपके स्टेट का कहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस है। आप वहाँ जाइए और पता करिए कि क्रिकेट ट्रायल डेट कब है। और दोस्तों आप घर पर बैठे भी क्रिकेट ट्रायल डेट्स के बारे में पता कर सकते हैं। हर क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, आप वहाँ जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं अगर आप ट्रायल देने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है।
तो दोस्तों सबसे पहली चीज है ड्रेस। दोस्तों अगर व्हाइट बॉल से अगर आपका ट्रायल लिया जा रहा है तो आप कलर्स ड्रेस पहन सकते हैं, कोई भी कलर का आप ड्रेस पहन सकते हैं, वो स्पोर्ट ड्रेस होना चाहिए। वैसे अगर आपका ट्रायल रेड बॉल से लिया जा रहा है तो आपको व्हाइट ड्रेस पहननी होती है, और ये तो कंपलसरी है आपको। ये चीज़ें आपको शायद पता ही होगी। और दूसरी चीज़ अभी हम बात कर लेते हैं, क्या किट बैग ले जाना ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, किट बैग ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको प्रॉपर किट बैग वहाँ पर चाहिए होता है। सारी चीज़ें जितने भी इक्विपमेंट्स होती है बैट्समैन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ले जानी होती है। और दोस्तों बहुत से ऐसे ट्रायल्स होते हैं, बहुत कम होते हैं वैसे तो, जहाँ पर आपको क्रिकेट किट बैग भी प्रोवाइड कराया जाता है। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं बॉलर्स के लिए, बॉलर्स के लिए बॉल बहुत कम चांसेस होते हैं जिस पर आपको अपनी बॉल ले जानी पड़ती है। ज़्यादा से चांस में वहीं से जो क्रिकेट ट्रायल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वही आपको क्रिकेट बॉल देते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पर पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।